पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पथ ऑफ एसेंट ऑफ शिव से रिलेटेड हमने दो एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट्स और यूसिन डाई से का वीडियो आपको दिया था, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट में हमने बताया था कि अगर हम उसका आउटर मोस्ट पार्ट मतलब आउटर पार्ट यानी जो फ्लोएम है जहां तक उतना रिमूव कर दें तब भी क्या होगा, प्लांट्स की पत्तियों में ट्रेजिडिटी रहती थी। और उसी का दूसरा हमने दूसरी प्लांटिंग में क्या किया था, अगर हम उसका मिडिल पार्ट जाइलम कंपोनेंट्स है जो वो सभी अगर हम निकाल दें तो वो लीफ क्या हो रही थी आपकी उसमें वो मुरझा जा रही थी या उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जा रही थी, ठीक है, शिथिल बोध लूज हो जा रही थी। और दूसरा हमने यूसिन डाई में एक टेस्टमेंट दिया था, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में वाटर और प्लस यूसिन डाई ले लें उसका पिंक कलर हो जाता है, और उसमें एक प्लांट पिंक अगर हम इंजर्ट करते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं जो केवल उस प्लांट पिंक के जो जाइलम से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं वो पिंक कलर ले लेते हैं। इससे पता चलता है कि जो पानी है वो क्या हो रहा है, इन्हीं कंपोनेंट्स के थ्रू ऊपर पहुंच रहा है। अब इससे प्रोसेस को समझाने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शिव को समझाने के लिए वाइटल थ्योरी दी गई आपकी, और रूट प्रेशर थ्योरी दी गई, और एक दी गई आपकी फिजिकल फोर्स थ्योरी। अब इन तीन थ्योरीज में से आज हम बात करेंगे केवल किसकी, आपकी रूट प्रेशर थ्योरी की, जिसका डायग्राम आप सामने देख रहे हैं। रूट प्रेशर थ्योरी में क्या किया गया इसको समझाने के लिए, यहां पर हमने ये क्या मैनोमीटर लिया, इस ये पूरा प्रोसेस क्या मैनोमीटर है, और इसको हमने क्या किया, इस मैनोमीटर को रबर ट्यूब की सहायता से हमने गमले में लगे हुए प्लांट्स का जो स्टेम है उससे कनेक्ट कर दिया, गमले में प्लांट लगा उसको कट किया और उसको रबर ट्यूबिंग से और मैनोमीटर को एक इसके माध्यम से हमने कनेक्ट कर दिया, और उसमें हमने क्या किया पूरा का पूरा पानी भर दिया इधर पे आपका मैनोमीटर में भरा भरा और, ठीक है। अभी ये तो स्टार्टिंग की कंडीशन है कि ये यहाँ तक इस तरह से ये भरा हुआ, अभी यहाँ तक पानी का लेवल होगा, वहां तक ये आपका वहां तक इसका लेवल होगा, सेम लेवल होता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे रूट्स में अभी देख रहे थे, रूट्स में क्या होता है, रूट जब वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट्स करते हैं और वो जाइलम कंपोनेंट पहुंचता है वहां से वो ऊपर जाता है, तो वो कैसे ऊपर जाता है थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ये रूट इसकी मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए हमने क्या किया कि आपके रूट प्रेशर थ्योरी यहाँ पर दी गई है। तो इसमें देखिए नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे पौधा है, पौधे ने क्या किया पानी एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होता है ऊपर बढ़ता है, तो जैसे एक सेल के पास पानी पहुंचा उसने क्या किया वो अपने पास वाली सेल को पहुंचता है, उसके पास वाली सेल इस तरह से वो आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो पानी एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचता है तो वो सेल्स क्या होती है, सेल्स में क्या होती है इलास्टिसिटी होती है, तो उस पर प्रेशर पड़ता है और उस एक सेल से पानी जब क्या होगा उसमें पहुंचेगा तो उस पर प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर की वजह से उसके उससे पानी क्या होता है कुछ नेक्स्ट सेल में चला जाता है और इस तरह से क्या होता है वो आगे बढ़ता रहता है। इसमें हमने देखा है कि अगर हम इसमें रूट प्रेशर थ्योरी में देखें तो इसकी जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो कैसी हैं, इलास्टिक नेचर की होती हैं और इन सेल्स में वाटर सोल्यूशन जब इंटर करता है तो फिर तनाव टेंशन उत्पन्न तनाव उत्पन्न हो जाता है और तनाव उत्पन्न हो जाता है और बाद में क्या तो फिर वो अपनी सामान्य स्थिति में आने का प्रयास सेल्स करती है और जब वो सामान्य स्थिति में आने का प्रयास करती है तो उसी में वो पानी क्या होता है, जैसे ये सेल से आपकी ये नॉर्मल सेल है, ये मान लीजिए नॉर्मल सेल है, अब क्या हुआ अगर इस पर पानी आया तो उस पर प्रेशर पड़ेगा तो क्या हुआ थोड़ा सा इसका साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर से ये क्या हुआ वापस इसी में आने का प्रयास करेगी ये सेल, तो क्या हुआ इससे फिर ये इससे दबाव पड़ेगा प्रेशर पड़ेगा तो उस प्रेशर की वजह से पानी क्या हुआ इससे अगली सेल से कुछ पानी निकल जाता है। तो ये क्या होता कि ये नहीं क्या होगा पहले सेल जैसे हमारे हार्ट की तरह
मनीष क्या होगा उसमें पहले वो प्रेशर थोड़ा सा फैलेगी, फिर उसमें इलाज फिर उसी पोजीशन में आने का प्रयास करेगी, तो उस जो जब वापस उसी पोजीशन में आने का प्रयास करती है तो ये क्या होता है आपका प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की वजह से जो पानी है वो क्या हो थोड़ा आगे अगली सेल्स में पहुंचाता है। यही यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या इसमें ये लगा दिया, ये पॉलिथिन से कनेक्ट किया गया, यहाँ पानी भर दिया गया, पूरा एपरेटस हमने रेडी कर लिया, अब उसके बाद हमने सब कनेक्ट किया, तो हम कुछ समय बाद देखते हैं कि देखो ये पॉट ले लिया हमने, पॉट में सिस्टम कट कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया, मैनोमीटर लगा दिया, ये सबको एक स्टैंड के सहारे हमने क्या किया सेटल कर दिया ताकि किसी तरह का इम्बैलेंस इसमें ना हो। ठीक है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे क्या होगा पानी एक सेल में पहुंचेगा और वो ट्रेजेट हो जाएगी और इलास्टिक नेचर होने के कारण वो फिर से हम उसी पोजीशन में आने का प्रयास करेंगे, इससे तो प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर की वजह से पानी क्या होगा नेक्स्ट सेल में हो जाएगा, इस तरह से क्या होगा पानी ऊपर बढ़ेगा, तो ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इसमें पानी क्या होता है इसका लेवल बढ़ने लगता है, इसका लेवल क्या होता है ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हमने पानी यहाँ तो डाला नहीं है। ठीक है ना, यहाँ हमने पानी नहीं भरा है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है इसका लेवल ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो पानी कहाँ से आ रहा है इन्हीं सेल्स के माध्यम से पानी क्या हो रहा है इसमें मैनोमीटर में पहुंच रहा है, और जिससे क्या हो रहा है इसमें जो ये पारा भरा हुआ है इसका लेवल क्या हो रहा है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इससे पता चलता है कि ये पानी है वो क्या हो रहा है वो सेल्स से होता हुआ कहाँ पर आगे बढ़ता है, सेल से एक सेल दूसरे सेल तीसरे सेल इस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। अगर इस हम पूरे एक्सपेरिमेंट को पढ़ें तो इसमें देखो क्या होगा कि इस प्रोसेस में प्रेजेंट लिक्विड में प्रेशर बढ़ता है, इससे जिससे क्या होता है सेल्स में से लिक्विड की कुछ मात्रा कुछ क्वांटिटी निकलकर विसल्स में आ जाती है और इस लिक्विड के कारण विसल्स एलिमेंट में प्रेशर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं रूट प्रेशर बोलते हैं, विसल्स एलिमेंट में जो प्रेशर उत्पन्न हो जाता है उसे भी हम रूट प्रेशर बोलते हैं। अब इसमें हमने लेकिन इसमें क्या हो रहा है इस थ्योरी के अनुसार लगभग 20 मीटर ऊंचाई तक चढ़ने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें बताया गया है आपको कि रूट प्रेशर अनेक स्पीशीज में देखा गया लेकिन कुछ स्पीशीज में इसका मान केवल 2 atm/2 atmosphere तक से अधिक नहीं पाया गया है, और एक एटमोस्फेरिक होने पर जब प्रेशर कितना हो 1 atm हो, कितना हो 1 atm हो 1 atm इसमें बताया गया, तो पानी कितना 10 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। ठीक है, कितना 10 मीटर की ऊंचाई तक ही जा सकता है, लेकिन यहां पर हमने इसमें देखा कि इसमें जो ये प्रेशर इसके द्वारा क्रिएट किया गया वो कितना किया गया वो 2 atm इक्वल किया गया, यानी ये क्या हुआ यह लगभग कितने अब 2 atm हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा ये कम से कम 20 मीटर तक तो जा सकता है, लेकिन हमारे जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है उसमें देखते हैं पाइन स्टेट ट्री है वो बहुत ऊंचे होते हैं और फॉरेस्ट में तो और भी ट्री होते हैं बहुत 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 ज्यादा हाइट के होते हैं 50-50 मीटर तक होते हैं, तो वहां तक पानी कैसे जाए, तो उसको ये क्या हो रहा है इसको समझाने लिए थ्योरी वहां पर फेल हो रही है। तो रूट प्रेशर थ्योरी के में क्या हो रहा केवल वो छोटे प्लांट्स तक वो तो अप्लाई होती है, लेकिन जो बड़े प्लांट ट्री हैं वहां पर वो उसको अप्लाई नहीं हो पा रही है। तो इसमें कहा गया है कि जैसे हमारे हाई वुडी ट्री की लगभग 12 atm प्रेशर की आवश्यकता होती है, किसी भी प्लांट्स में इतना अधिक रूट प्रेशर किसी भी पोजीशन में नहीं देखा गया। अब उन्होंने कहा कि जो आपका कॉनिफर है और नहीं इस थ्योरी से अगर हम देखें तो किसी प्लांट से नहीं देखा गया, लेकिन हमारे जो कॉनिफर्स हैं और हाई ऊंचे वृक्ष हैं उनमें क्या होता है रूट प्रेशर प्रदर्शित नहीं करते वो। यहाँ पर केवल नहीं बताया गया कि जो सेल्स है वो आपका क्या होगा आगे कैसे बढ़ रहा है, तो मैं एक सेल दूसरे सेल में पहुंचता है तो उसमें क्या होता है वो थोड़ा
पोजिशन उसमें क्या होता है टेंशन बढ़ता है और टेंशन को का अपना खत्म करने के लिए वो खत्म कर दे तो पानी अगले सेल्स में चला जाता है। इससे क्या होता है यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ने लगता है और इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर आपका वो प्रेशर दिखाई मतलब जितना भी ये प्रेशर यहाँ से पानी ऊपर भेजेगा उतना क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है ना। तो इन्होंने ये है कि अगर एक एक एटीएम तो ये क्या होता है स्मॉल प्लांट्स पर तो लागू होती है लेकिन जो बड़े प्लांट्स हैं उन पर लागू नहीं होती है। इसलिए इस रूट प्रेशर थ्योरी को पर ज़्यादा विचार नहीं किया गया, लेकिन आपको ये पढ़ना तो है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये आपका नहीं रूट प्रेशर नापने के लिए कौन सा आपका मैनोमीटर का यूज करते हैं, प्लांट्स में रूट प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए आप मैनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक। अब इसके बाद एक और कोई दो थ्योरी और है आपकी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज कितना ही, ठीक है, ओके, थैंक यू।